Hello everyone, welcome to the class number 11 of Introduction to MySQL. तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बारे में पढ़ा था. तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड हम क्यों यूज करते हैं, हमने ये पढ़ा था कि MySQL में बाय डिफॉल्ट हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन को वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, परमानेंटली सेव कर लेता है. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव ना हो, जब हम चाहते हैं तब सेव हो, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड को. और उसके बाद हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उस ट्रांजेक्शन को हम जब परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तब सेव होगा, अगर हम परमानेंटली सेव करना नहीं चाहते तो वो सेव नहीं होगा. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने तो पढ़ा था स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे और एक कमांड के बारे में जिसका नाम है कमिट कमांड. तो हमने ये पढ़ा कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बाद अगर हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव करके रखने के लिए हमें वहां पे कुछ कमांड की जरूरत पड़ेगी. उस कमांड को यूज करके हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए तो उस ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव कर सकते हैं. ओके, तो उस ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव करके रखने के लिए स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं MySQL में, उस कमांड को हम बोलते हैं कमिट कमांड. ओके, तो कमिट कमांड को हम क्यों यूज करते हैं, दिस कमांड इज यूज्ड टू सेव द चेंजेस मेड बाय ए ट्रांजेक्शन परमानेंटली. स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बाद हम कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन करते हैं कोई भी कमांड यूज करके, तो उस ट्रांजेक्शन के द्वारा जो भी चेंजेस हुआ है उस चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कमिट कमांड को यूज करते हैं. ओके, व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको देखते हैं हमारा ट्रांजेक्शन सही है या नहीं. अगर हमें लगता है कि हमारा ट्रांजेक्शन सही है, हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है, तो हम वहां पे चाहते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन हमने जो भी किया है वो परमानेंटली सेव हो जाए. तो वहां पे परमानेंटली सेव करने के लिए हमारे ट्रांजेक्शन को हम यूज करते हैं कमिट कमांड को. ओके, वही बोला है, व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अगर वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है, देन ए कमिट कमांड इज इशूड, वहां पे हम एक कमिट कमांड इशू करते हैं या फिर कमिट कमांड को यूज करते हैं ताकि हमारा ट्रांजेक्शन परमानेंटली सेव हो जाए और हमने वहां पे जो भी चेंजेस किया है उस ट्रांजेक्शन के द्वारा वो चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाए. ओके, ए कमिट कमांड सेव द चेंजेस मेड बाय ए ट्रांजेक्शन परमानेंटली. कमिट कमांड अगर हम यूज करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन करने के बाद, तो उस ट्रांजेक्शन के द्वारा जो भी चेंजेस हुआ है उस चेंजेस को वो परमानेंटली सेव करता है, और उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हमने किया था उस कमिट कमांड से पहले वो ट्रांजेक्शन को वो खत्म कर लेता है. ओके, समझ आ गया. तो कमिट अगर हम कर लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ एक ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको मैं अगर कमिट कर लेता हूँ, मतलब परमानेंटली अगर सेव कर लेता हूँ बाय यूजिंग कमिट कमांड, तो उस ट्रांजेक्शन को और मैं रोल बैक नहीं कर सकता. रोल बैक मतलब क्या, उस ट्रांजेक्शन को और मैं कैंसिल नहीं कर सकता. ओके, हम MySQL में इसको रोल बैक बोलते हैं. अगर कोई ट्रांजेक्शन को हम एक बार परमानेंटली सेव कर लेते हैं या फिर कमिट कर लेते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को और हम रोल बैक या फिर कैंसिल नहीं कर सकते. या तो उस ट्रांजेक्शन के द्वारा जो भी चेंजेस हुआ है एक टेबल में, या तो उसको कम्प्लीटली रिमूव करना पड़ेगा, या तो उसको और कुछ ट्रांजेक्शन के द्वारा चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ओके, तो सिंटेक्स क्या है कमिट कमांड का, सिंपली अगर कोई भी ट्रांजेक्शन उससे पहले हुआ है उसको अगर हम परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको लिखना है कमिट. तो क्या होगा, जो भी ट्रांजेक्शन उससे पहले हुआ है वो परमानेंटली सेव हो जाएगा. ओके, या फिर आप लिख सकते हो कमिट वर्क, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, कमिट यूज कर सकते हो या फिर कमिट वर्क यूज कर सकते हो अपने ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सपोज मैंने पहले से एक टेबल बनाया है स्टूडेंट टेबल, उसमें डाटा भी इंसर्ट किया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कमांड यूज किया. सिलेक्ट कमांड क्यों यूज करते हैं, कोई भी डाटाबेस के अंदर कोई भी डाटा है तो उस डाटा को टेबुलर फॉर्म में अगर कोई डाटा स्टोर है उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं, उसको अगर यूज करना चाहते हैं, फिर उसको अगर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड को. तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार लिया है, स्टार मतलब क्या, मुझे सारे कॉलम्स और सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल का सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं, मैंने तीन रिकॉर्ड लिया था, तीन रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं, वहां पे मैंने यूज किया उसके बाद स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड को. तो यहाँ पे अगर मैंने स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज किया, मतलब इससे पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ था उस ट्रांजेक्शन को उसने परमानेंटली कमिट कर लिया. कमिट मतलब क्या,
परमानेंटली सेव कर लिया और उसके बाद एक नया ट्रांजेक्शन या फिर उसके बाद हम जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं नया ट्रांजेक्शन शुरू करने का प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया और वहां पे हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बाद वो ऑटोमेटिकली कमिट नहीं होगा या फिर ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा जो कि बाय डिफॉल्ट MySQL में होता था। तो उसमें अगर हम कुछ सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमिट कमांड यूज करना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन किया, अपडेट कमांड वाला ट्रांजेक्शन किया कि स्टूडेंट टेबल में मुझे अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल को या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कहाँ पे मार्क कॉलम में वैल्यू को मुझे 100 करना है, कहाँ पे, जहाँ पे रोल नंबर 2 है। ओके, रोल नंबर 2 का मार्क मुझे चेंज करके अपडेट करके करना है 100। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रांजेक्शन किया और मैंने ट्रांजेक्शन करने के बाद सिलेक्ट कमांड यूज करके ट्रांजेक्शन के द्वारा जो चेंजेस मैं करना चाहता हूं देखा यहां पे कि चेंजेस सही से हुआ है या नहीं। अगर मुझे लगता है कि मेरा ट्रांजेक्शन सही हुआ है, मेरा ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल हुआ है तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं अपने ट्रांजेक्शन को कमिट कर लूं या फिर परमानेंटली सेव कर लूं ताकि उसमें और कोई बदलाव ना कर सके। तो उसके लिए मुझे इशू करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कमिट कमांड को। तो यहाँ पे अगर मैं कमिट कमांड यूज कर लेता हूं तो यहाँ पे जो भी बदलाव हुआ है, जो भी चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाएगा जिसके द्वारा इसको और कोई चेंजेस नहीं कर सकता। या फिर अगर MySQL सॉफ्टवेयर को हम क्लोज भी कर लेते हैं तो ये चेंजेस यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे डाटाबेस में परमानेंटली सेव होके रहेगा। तो समझ आ गया कमिट कमांड को हम क्यों यूज करते हैं। अगर स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करने के बाद उसके बाद अगर हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को अगर हम परमानेंटली सेव करके रखना चाहते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन के द्वारा हम चेंज करते हैं उस चेंजेस को अगर परमानेंटली सेव करके रखना चाहते हैं तो वहां पे हमें उस ट्रांजेक्शन के बाद कमिट कमांड को इशू करना पड़ेगा या फिर कमिट कमांड को यूज करना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शंस को या फिर उससे स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बाद हमने जितने ट्रांजेक्शन किए हैं उन ट्रांजेक्शंस को परमानेंटली सेव करके रखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा किस कमांड को, हमें यूज करना पड़ेगा कमिट कमांड को। समझ आ गया। तो चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कमिट कमांड को यूज करके। तो इसके लिए ओपन करते हैं MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट, ओपन हो गया है। तो यहाँ पे इसका पासवर्ड दे देते हैं, हो गया ओपन। तो यहाँ पे हमारा डाटाबेस था पॉलिश डाटाबेस, तो यूज करते हैं यहाँ पे यूज कमांड को और पॉलिश डाटाबेस को ओपन करते हैं। हो गया पॉलिश डाटाबेस ओपन। उसके अंदर हमारा टेबल था तो टेबल को देखते हैं, टेबल में क्या क्या डाटा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आई थिंक स्टूडेंट डिटेल्स था हमारा टेबल का नाम, हमने वहां पे रिनेम किया था। तो ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल हमें दिखा रहा है, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करते हैं ताकि उसके बाद अगर हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करें तो वो सेव तब हो जब हम चाहते हैं। ओके, स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। उसके बाद हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं अपडेट कमांड यूज करके, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल को मुझे अपडेट करना है और वहां पे मुझे सेट करना है मार्क कॉलम का वैल्यू कितना, 100। मार्क कॉलम का वैल्यू 100 करना है, कहाँ पे, वेयर, जहां पे रोल नंबर का वैल्यू कितना हो, जहां पे रोल नंबर का वैल्यू 2 हो। ओके, हो गया इशू। तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं कि चेंजेस हुआ है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 80 था रोल नंबर 2 का मार्क, यहाँ पे हो गया है 100, चेंजेस हो गया है। तो अभी अगर मैं इसको परमानेंटली सेव करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था कि अगर मैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड करता हूं और उसके बाद कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन करता हूं और अगर मैं MySQL सॉफ्टवेयर को अगर क्लोज कर लेता हूं तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद मैंने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसके द्वारा जो भी चेंजेस किया है वो चेंजेस परमानेंटली सेव नहीं होता है। उसको परमानेंटली सेव करने के लिए हमें वहां पे कमिट कमांड को यूज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कमिट कमांड यूज किया, मतलब मेरा जो भी ट्रांजेक्शन मैंने स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बाद किया उस ट्रांजेक्शन को उसने परमानेंटली सेव कर लिया। ओके, परमानेंटली सेव हो गया है। तो अभी अगर MySQL सॉफ्टवेयर को मैं क्लोज करूंगा और फिर से अगर MySQL सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा तो वहां पे ये जो चेंजेस हुआ है ये चेंजेस रहेगा, ये चेंजेस वहां पे दिखाई देगा। अब फिर से अगर MySQL सॉफ्टवेयर को क्लोज करके ओपन करके देखोगे तो वहां पे आप देख सकते हो कि आपने अगर कमिट किया है तो वो चेंजेस परमानेंटली सेव हो चुका होगा। अगर हम यहाँ पे कमिट कमांड यूज ना करें
आप कोशिश कर सकते हो इसको देख के कि अगर हम यहाँ पे कमिट कमांड को यूज ना करेंगे तो यहाँ पे हमने जो चेंज करके इसको 100 किया था, अगर हम MySQL सॉफ्टवेयर को क्लोज करके फिर से ओपन करते तो ये चेंजेस सेव ना हुआ होता और पहले से जो 80 था वो 80 ही दिखाता, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड में करके देखा है। ओके, तो समझ आ गया कि कमिट कमांड हम क्यों यूज करते हैं। कमिट कमांड हम यूज करते हैं अगर हम स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करते हैं और उसके बाद अगर हम कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को अगर हम परमानेंटली सेव करना चाहते हैं या फिर उस ट्रांजेक्शन के द्वारा अगर कुछ चेंज हुआ है उस चेंजेस को अगर परमानेंटली हम सेव करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं कमिट कमांड को। ओके, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ कमांड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।